हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा इस वक्त मेरे साथ है। मैम, टीजीटी की जो नियुक्ति हुई है उसके बाद एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया है, तमाम कैबिनेट मौजूद थी। आप मंच पर काफी जो उत्साहित दिखे। आपने कहा कि 105 सदस्य हैं हरियाणा में, 90 विधायक हैं, उसके अलावा 10 सांसद हैं, 5 राज्यसभा के सांसद हैं। किसी के भी परिवार को नौकरी नहीं मिली है, केवल एक विधायक को छोड़ दिया जाए तो, जी एक जनप्रतिनिधि को छोड़ दिया जाए तो, ये आप जो दावा कर रही है, इस दावे के पीछे की हकीकत? मैं ये बताना चाहती हूँ कि आदरणीय मनोहर लाल जी के आने से पहले जो सरकारें हुआ करती थी उन्हीं के जनप्रतिनिधियों की रिश्तेदारियाँ कहाँ कहाँ तक की हैं, घर से लेकर गांव से लेकर बेटियों के घरों में, बेटों के ससुरालों में, सारी दुनिया भर की नौकरियाँ उन्हीं में बट जाती थी जी। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी के आने के बाद में समदर्शी और पारदर्शी हरियाणा बना और उस हरियाणा में 105 लोगों में मात्र एक जनप्रतिनिधि के बच्चे को नौकरी मिली जी। और वो जो नौकरी उस बच्चे को मिली उसमें हमारा एहसान नहीं है, उस बच्चे की काबिलियत है जी। और इसी बात पे हरियाणा सरकार हमेशा आवाज देती है कि हम सबको बराबर लेकर के चलते हैं और हम काबिलियत के आधार पर आपको आगे लाना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा उदाहरण है कि वो भाजपा का जनप्रतिनिधि नहीं है तो अगर मन में वैर भाव हो, समदर्शी ना हो, पारदर्शी ना हो तो नौकरी कैसे ले जाते। मैम, जो विपक्ष कह रहा है कि हिसाब है सरकार 10 साल का और जेबीटी टीचर्स की, तो बोले 10 साल में एक बार भी भर्ती नहीं हुई, एक टीचर भी नहीं भर्ती किया गया। करेंगे जी, रोकनी है, हमारा एक ही काम है। हम पसीना बहाने वाले लोग हैं जी। और हम ये बात बोलते हैं, हम पसीना जो बहाता है वो सिर्फ सेवा करने के लिए आता है। सत्ता का सुख भोगते हैं लोग एसीओ में बैठ करके, देखते नहीं। 5 साल बाद जब चुनाव आता है 3 महीने 4 महीने पहले निकलना शुरू होते हैं। और ये सरकार जो है 10 साल से लोगों के बीच में काम कर रही है और हम लोग किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी जिसका हम समाधान नहीं लेकर आएंगे। लेकिन भर्ती रोको गैंग का जिक्र किया गया बार बार कि भर्ती रोको गैंग जो है वो सक्रिय हो जाते हैं जब आप कोई भर्ती करना चाहते हैं। भर्ती रोको गैंग को क्या है कि जब हमारे पास समय था जी, जब उनके पास समय था तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो जैसे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हरियाणा का ये विरोधी गैंग बोलता है ना हमने किया ना तुम्हें करने देंगे जी। आखिरी सवाल है, हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का, प्रदेश के जो टीचर्स हैं जो आज चयनित हुए हैं या पहले से जो सेवा में हैं या आने वाले समय में इंतजार कर रहे हैं इस सेवा से जुड़ने का, उनको क्या कहेंगी? मैं खुद शिक्षिका रही हूँ और मैं ये मानती हूँ कि टीचर के ऊपर माता पिता का भरोसा बिल्कुल वैसा होता है कि अपने बच्चे को किसी के हाथ में सौंपना। मैंने सारी हमारी कमाई हमारी औलाद होती है और सबसे ज़्यादा भरोसा हम टीचर्स पर करते हैं। तो मैं तो एक ही निवेदन करूँगी, 99% बिना संस्कारों के अधूरे हैं जी। और शिक्षक की अगर परिभाषा बोलूँ तो उसमें मर्यादा भी आती है, उसमें कर्तव्यनिष्ठता भी आती है जी। उसमें ये भी चीज़ आती है कि हम बच्चों को संस्कार दें। तो मैं सोचती हूँ जो खुद इससे परिपूर्ण है, ओतप्रोत है, वो ऐसे ही हरियाणा का निर्माण करे, क्योंकि हरियाणा के ये बच्चों के जो भविष्य है उन्हीं के हाथ में है। वो ऐसे हरियाणा का निर्माण करें कि जैसे देश हमारे में हरियाणा जवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए और किसानों के लिए जाना जाता है, ऐसे ही देश हमारा विद्यार्थियों के नाम से जाना जाए। बहुत आभार, शुक्रिया।